हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू 100 का ये गेम साधन ब्रेव वर्सेस वेल्च फायर। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। ये मैच होने वाला है 4th अगस्त को रात में 11 बजे से। बात करें दोनों टीम्स की तो साधन ब्रेव अपना ओपनिंग गेम रॉकेट्स के सामने हार के आ रहे हैं, जबकि वेल्च फायर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के सामने अपना ओपनिंग गेम जिसमें बारिश आ चुकी थी, 40 बॉल्स की गेम हो गई थी, वो जीत कर आ रहे हैं। दोनों टीम्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो साधन ब्रेव जिन्होंने फुल गेम खेला था तो इनका बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर सब कुछ सेट है। और वहां पर फिन एलन शुड ओपन द इनिंग्स अलोंग विद डेवॉन कॉनवे, जो कि एक इंपॉर्टेंट बैटर रहेंगे इनके लिए, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, मतलब फैंटेसी पोटेंशियल गोज थ्रू द रूफ। नंबर 3 पर आएंगे जेम्स विंस, फॉलोड बाय लुइस डिप्लॉय, टिम डेविड, जेम्स फुलर, जॉर्ज गार्टन, क्रिस जॉर्डन, रेहान अहमद, क्रेग ओवरटन और टिमिल मिल्स। क्रेग ओवरटन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं पावर प्ले में तबाही मचा सकते हैं, और वहां पर हमने इनकी विकेट्स देखी थी। बात करें वेल्च फायर की तो इनका जो ओपनिंग गेम था ना दोस्तों, वो रेन मार्ड था। वहां पर 40 गेम की ओवर हुई तो ऑब्वियसली बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर सब कुछ काफी शफल हुआ। तो उस गेम में जो हमने देखा था प्लेयर्स को बैटिंग करते हुए, शायद वो उनकी आइडियल पोजीशन ना हो। जैसे लूक वेल्स पिछले गेम में ओपन करने आ गए थे, बट हमारे हिसाब से उनकी बेस्ट पोजीशन नंबर 4 या 5 पर होगी। जो क्लार्क एंड स्टीवन एस्किनाजी इनके लिए ओपन करने चाहिए। नंबर 3 पर आने चाहिए टॉम एबल, फॉलोड बाय ग्लेन फिलिप्स। पिछले गेम में हमने देखा था ग्लेन फिलिप्स प्रमोट हो गए थे नंबर 3 पर, तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है एबल, फिलिप्स, लूक वेल्स, ये तीनों में थोड़ा सा रोटेशन हो सकता है। हमने वेल्स के साथ देखा भी था कि काउंट वाइटालिटी ब्लास्ट में भी ये फ्लोटर का रोल खेलते थे। इनके बाद आएंगे डेविड विली, फॉलोड बाय डेविड पेन, वैंडर मोवे, बेन ग्रीन, हैरिस रॉफ और शाहीन शाफरीदी, जिनका ओपनिंग स्पेल एकदम डेडली था। बात करें वेन्यू की तो रोज बॉल साउथैम्पटन में ये मैच होने वाला है, और पिछले 8 T20 गेम्स जो यहाँ पर हुए हैं वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 2 बार जीती है, टीम चेस करते हुए 6 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 145 का, और हम सब इससे वाकिफ हैं कि ये ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू होता नहीं है, पर क्या 100 में भी सेम देखने मिलता है? आश्चर्य की बात यह है कि 100 के यहाँ पर जो पिछले कुछ गेम्स हुए हैं, आई थिंक 9 गेम्स जो पिछले हुए हैं, वहाँ पर भी एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 143 का ही रहा है। तो भले रेगुलर T20s में हमने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, बट 100 में हमने देखा है थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़रूर होता है। पिछले 900 के गेम्स जो इस वेन्यू पर हुए हैं वहाँ पर भी बैटिंग सेकेंड को एडवांटेज है, 9 में से 7 बार द 100 फॉर्मेट में टीम्स यहाँ पर जीती है चेस करते हुए। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला न्यूट्रल सा है, किसी पर्टिकुलर बॉलिंग फॉर्मेट को हमने एक आउटसाइड एडवांटेज लेते हुए नहीं देखा। बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की T20s में इन दिस ईयर। तो साधन ब्रेव की बात करें तो जेम्स विंस 36 इनिंग खेले हैं T20s में इन 2023, जिनमें बनाए हैं 1423 रन, 50 के ऊपर का एवरेज है, 1350s एंड 100। डेवॉन कॉनवे सेकेंड हाइस्ट रन गेटर हैं इस टीम के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनमें से 26 इनिंग में 973 रन, टिम डेविड के नाम है 40 इनिंग्स में 890 रन, और बाकी सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपके सामने हैं। इनके बोलर्स की बात करें तो क्रिस जॉर्डन 36 इनिंग में ले चुके हैं 44 विकेट्स, क्रेग ओवरटन के नाम है 16 इनिंग में 21 विकेट, टिमिल मिल्स के नाम है 14 इनिंग में 20 विकेट, और जॉर्ज गार्टन 12 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं। बात करते हैं वेल्च फायर के बैटर्स की तो जो क्लार्क इनके लिए 28 इनिंग्स में 716 रन बना चुका है T20s में इन दिस ईयर, 650 है इसमें, 26.52 का एवरेज है। स्टीवन एस्किनाजी 24 इनिंग्स में 679 रन बना चुके हैं, क्रिस कुक 16 इनिंग में 502 रन जिसमें 250s 100 शामिल है, टॉम एबल के नाम है 17 इनिंग में 352 रन, और डेविड विली 20 इनिंग में 276 रन बना चुके हैं। ग्लेन फिलिप्स 15 इनिंग में केवल 204 रन बना चुके हैं, 2023 में T20s में इतना ज्यादा क्लिक नहीं कर रहे हैं अब तक। इनके बोलर्स की बात करें तो शाहीन शाफरीदी हैज बीन रनिंग राइट, 32 इनिंग्स में 49 विकेट्स, हैरिस रॉफ के नाम है 32 इनिंग में 44 विकेट्स, वैंडर मोवे इनकी उम्र बढ़ रही है बट लाइक अ फाइन वाइन ये भी अच्छे से एज कर रहे हैं, 18 इनिंग में ले चुके हैं 33 विकेट इन दिस ईयर, बेन ग्रीन के नाम है 17 इनिंग्स में 30 विकेट, डेविड पेन के नाम है 21 इनिंग्स में 25 विकेट्स, और डेविड विली ले चुके हैं 22 इनिंग में 22 विकेट। बात कर लेते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स की फटाफट, तो साधन ब्रेव से जो नाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनमें नंबर 1 पर आते हैं डेवॉन कॉनवे। इनिंग्स को ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग भी करते हैं, हमने देखा है IPL में भी और उसके बाद MLC में भी हमने देखा है कि कॉनवे कैसे अग्रेसिव अटैकिंग ओपनर बनते हैं। पिछले गेम में केवल 16 रन बना पाए थे 15 बॉल में, बट हम सबको इनका पोटेंशियल पता है। सेकेंड टॉपिक बनते हैं जेम्स विंस, जो कि इस टीम में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। पहली गेम में फेल हुए थे, 3 बॉल में केवल 3 रन बनाए थे, बट अगर आप इनका देखो वेन्यू का रिकॉर्ड, 93 इनिंग्स में 2891 रन्स, 35 के ऊपर का एवरेज, 2250 और 200। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो 3 इनिंग में 164 रन्स, 82 का एवरेज है, 250 आ चुकी हैं, तो क्यों ना इनको आप बैक करोगे एज वन ऑफ योर टॉप पिक्स। इनफैक्ट एक कंफर्टेबल कैप्टनसी चॉइस भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। नंबर 3 पर आते हैं क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने ओपनिंग गेम में तबाही मचाई थी, 20 बॉलें डाली, 12 डॉट्स, 18 रन और 3 विकेट। इस वेन्यू का रिकॉर्ड आप देखोगे तो 20 इनिंग में 17 विकेट हैं इनके नाम, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 3 इनिंग में 4 विकेट चटका चुके हैं।
आपकी टीम में पक्का रहेंगे, और अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ओहो इनको तो पक्का ही पक्का लेना है। फाइनल टॉपिक बनते हैं टिमिल मिल्स, जिन्होंने ओपनिंग गेम में एक विकेट चटकाया था, 20 बॉलें डाली, 24 रन कंसीड करे और अच्छी खासी बॉलिंग करी है। अगेन लाइक क्रिस जॉर्डन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फ्रॉम दिस टीम। देखते हैं वेल्च फायर से कौन बनते हैं हमारे टॉपिक्स। नंबर वन पर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जो कि इनके लिए मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। पिछले गेम में नंबर तीन पर बैटिंग करी थी, 12 बॉल में 19 बनाए थे, बट इनको आप 3, 4, 5 कहीं भी देख सकते हो बैटिंग करते हुए। इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे तो 3 इनिंग में 105 रन है, 52.5 का एवरेज, जिसमें 150 शामिल है। लूक वेल्च बनते हैं सेकंड टॉपिक। पिछले गेम में तो ओपन करने आ गए थे, 23 बॉल में 57 बनाए थे, बट हमारे हिसाब से ये इनकी आइडियल पोजीशन नहीं है। पिछला गेम केवल 40 बॉल का था, 100 बॉल की गेम होती है, ये तो केवल 40 बॉल की गेम थी, तो ऑब्वियसली अग्रेसिव है, इनको ऊपर भेज दिया, बट नॉर्मली यू शुड बैट थोड़ा सा नीचे, 3, 4, 5 कहीं तो बैटिंग इनकी आनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है शाहीन अफरीदी, जिन्होंने पिछले गेम में तबाही मचाई थी, 10 बॉलें डाली, 3 डॉट बॉल्स, 24 रन कंसीडेड एंड 2 विकेट। क्या ब्रिलियंट बॉल थी दोनों की, इसका वीडियो भी हमने हमारे ट्विटर चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, बेहतरीन विकेट दोनों पिक करी थी। वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे तो 5 इनिंग में 6 विकेट है, और शाहीन अफरीदी को तो इग्नोर पक्का नहीं करना। फाइनल टॉपिक बनते हैं हैरिस रॉफ अगेन, जिन्होंने पहली गेम में 10 बॉल में 4 डॉट बॉलें डाली, 15 रन कंसीड करे, विकेट नहीं मिली, बट हैरिस रॉफ की इंपॉर्टेंस सबको पता है, एंड अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करें तो डेथ में भी बॉलिंग करने का पूरा पूरा पोटेंशियल है। चलते हैं देखते हैं क्या बनती है हमारी डिफरेंशियल पिक्स। तो यहाँ पर नंबर वन पर आते हैं फिन एलन, जो कि ओपन करेंगे, पिछले गेम में भी 28 रन बनाए थे 27 बॉल में, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, हम सबको पता है कि ये अग्रेसिव है, अगर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया तो आपको क्विक फायर 20 बॉल में चुनाव 40 रन जैसी इनिंग्स देकर जा सकते हैं। फाइनल डिफेंसिव पिक बनते हैं स्टीवन एस्किनाजी, जो हमें लग रहा है कि आइडियली इनिंग्स ओपन करने चाहिए, अगर इनिंग्स ओपन करते हैं तो रन बनाने की कैपेबिलिटी है, टैलेंट काफ़ी बेहतरीन है, और इसीलिए हम इनको बैक करेंगे एज वन ऑफ आवर डिफेंसिव पिक। चलते हैं देखते हैं क्या बनती है हमारी कैप्टनसी चॉइसेस फॉर दिस गेम। तो यहाँ पर रेकमेंड करेंगे डेवॉन कॉनवे, शाहीन अफरीदी और हैरिस रॉफ, 3 हमारे पिक्स हैं। कॉनवे आपको बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों के थ्रू पॉइंट दे सकते हैं, और शाहीन अफरीदी हैरिस रॉफ में वो एबिलिटी है कि 2-3 विकेट भी लेकर चले गए तो आपके लिए काम करके जाएंगे। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे क्रिस जॉर्डन को, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। हमने देखा था पिछले गेम में भी अच्छी बॉलिंग करी थी, एंड वी सी ही इज गेनिंग बैक हिज फॉर्म, तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बॉलिंग फर्स्ट तो पक्का 4 चांद लगा देंगे आपकी फैंटेसी टीम में। बात कर लेते हैं दोस्तों अब क्या बनती है हमारी बेस टीम फॉर दिस गेम। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेगा कि हमारी बेस टीम में फिलहाल है डेवॉन कॉनवे, इनके अलावा आपका तो ऑप्शन है फिन एलन का, जो कि बढ़िया पिक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि हमारे लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल हो सकते हैं, और आपके तो ऑप्शन है जॉनी बेयरस्टॉ का, जिनका इस वेन्यू का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 6 इनिंग में 210 रन बनाए हैं, 350 है और 42 का एवरेज है। बात करें बैटिंग सेक्शन में तो फिलहाल हमने बैक करा हुआ है ग्लेन फिलिप्स और जेम्स विंस, इन दोनों को। इनके अलावा आपके तो ऑप्शन में आते हैं लुइस डुप्लॉय, स्टीवन एस्किनाजी, टॉम एबल, ये तीनों को हमने डिस्कस करा हुआ है। एस्किनाजी है हमारे डिफरेंशियल चॉइस फॉर दिस गेम। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हमने फिलहाल डेविड विली को बैक करा है, इनके अलावा लूक वेल्च कैन बी एन अगेन एक्साइटिंग एंटाइसिंग पिक, जिनको आप बैक कर सकते हो। इनके अलावा क्रेग ओवरटन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो अच्छे खासे चॉइस होंगे, टिम डेविड भी आपके लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल हो सकते हैं, स्पेशली स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग के लिए। बॉलिंग सेक्शन में हमने फिलहाल बैक करा है क्रिस जॉर्डन, शाहीन अफरीदी और हैरिस रॉफ को। इनके अलावा टिमिल मिल्स भी मोस्टली एक मस्ट हैव पिक ही बन जाएंगे आपकी फैंटेसी टीम में, और आपके पास बाद में ऑप्शन बचते हैं वैंडर मर्वे हैं, पेन हैं, गार्टन हैं, इन 3 में से भी किसी को आप बैक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ये हमारी बेस टीम है, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर और हमारी टेलीग्राम चैनल पर। सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सारा चीज़ आपको मिलेगा व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी छोड़िए, आ जाइए और वहाँ पर देख लीजिए सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स। फाइनल टीम हमारी टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अलविदा।